सर? बेटा आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। आप अपने ससुर सा को नहीं जानती। आसा, हम जानते हैं, वो हमसे नाराज है ना, पर बड़ों के सामने सर झुकाने से उनकी नाराजगी दूर हो जाती है। घबराइए मत, चलिए हमारे साथ, चलिए। हमारे ससुर सा हैं आप, इस घर के मुखिया, इस घर में सबसे बड़े होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम आपका आशीर्वाद लें। आपके बेटे की पत्नी होने के नाते हम आपका आशीर्वाद लेने आए। क्या आप अपनी बहू को आशीर्वाद नहीं देंगे? इनसे कह दीजिए रुक्मिणी जी कि ना तो शौर्य हमारे बेटे हैं, ना उनकी ये बींदनी हमारी इस हवेली की बहू। सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं हम उनसे। उसी दिन जब उन्होंने इस घर को छोड़ के जाने का फैसला किया, बेटा वो होता है जो अपने खानदान के मान को समझे, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाए, ना कि उसे धूल में मिला दे। बेटा वो होता है जो अपने पिता की आंखों का इशारा समझे, जिसके लिए अपने पिता का कहा भगवान के आदेश समान हो। ये नहीं कि वो अपने पिता की मर्जी के बिना अपनी जिंदगी का हर एक फैसला करता फिरे। फौज में गए हमसे पूछे बिना, जीवन साथी चुनी तो वो भी हमारी इजाजत के बिना, और जब वो खुद 3 साल से इस घर में नहीं आए, अपनी बिंदनी को यहां भेजने की हिम्मत कैसे कर ली उन्होंने? घृणा आती है हमें इस बात से। अपने आप से घृणा कैसे कर सकते हैं? अगर दुनिया की नजरों में देखे तो घृणा ची नफरत एक बाप का एक बेटे की तरफ गुस्सा ही तो है, लेकिन अगर हमारी नजरों में देखे तो ये एक बाप का एक बेटे के लिए असीम प्यार है। जानते हैं बापू साहब, हमने सुना है कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती।
पिता कभी कुपिता नहीं होता। बच्चे चाहे लाख गलतियां करें तो माँ बाप डांट डपट कर गुस्सा करके कुछ भी करके माफ कर देते। माफ गलतियों को किया जाता है, गुनाहों को नहीं। हम शौर्य को कभी माफ नहीं कर सकते, बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है उसने हमें। हम जानते हैं बापू सर, उन्होंने आपको बहुत ठेस पहुंचाई, लेकिन आपसे दूर रहकर आपके इस गुस्से की वजह से उनके जीवन में भी कोई खुशी ना है। खुशी मिलनी भी नहीं चाहिए उन्हें। जो माँ बाप के दिल को दुखाते हैं उन्हें खुश होने का अधिकार ही नहीं। सही कहा आपने बापू से, जो बच्चे अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं उन्हें खुश होने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन मैं खुश रहना चाहती हूँ। हम उन अभागे बच्चों में से नहीं होना चाहते जिन्हें माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिलता। बापू सा, मैंने सुना है कि आपसे जो कोई कुछ मांगे उसे वो जरूर मिलता है। आज आप बस अपना ये हाथ हमारे सिर पर रख दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए बापू सा। अपनी सीमा से बाहर वाली चीज मांग रही है ये लड़की रुक्मिणी जी। हम अपनी सीमा के बाहर कुछ नहीं मांग रहे हैं बापू साहब। आप चाहे हमसे कितना भी नाराज हो ले, कोई भी सजा दे दे, लेकिन हमें अपने आशीर्वाद से वंचित मत कीजिए। चलिए बहू, हम आपको शौर्य और आपका कमरा दिखा देते हैं। चलिए। रुक जाइए रुक्मिणी जी। इस घर में
मेहमान है हमारी। इसे मेहमानों के कमरे में ले जाइए। हमने इसके सर पर हाथ रख दिया, इसका यह मतलब नहीं कि शौर्य को हमने माफ कर दिया। आशीर्वाद मांगा था इन्होंने, जो दिया है, लेकिन शौर्य की पत्नी को हम बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। आप शायद भूल रही हैं रुक्मिणी जी, आज पुष्प नक्षत्र है। पुष्प नक्षत्र बड़ा ही शुभ नक्षत्र है ये। इस नक्षत्र के होते हुए हमारे चौखट पर जो भी आता है, कुछ भी मांगता है, हम उसे निराश करके पाप के बागी नहीं बन सकते। इसलिए अपने बेटे शौर्य को आप फोन करवा के बता दीजिए हमने उसकी बिंदनी को कुछ दिनों के लिए आश्रय जरूर दी है, क्योंकि मंदिर में अक्सर बेसहारा लोगों को आश्रय दिया जाता है। उसे बता दीजिए कि जितनी जल्दी हो सके वो यहां आके अपनी अमानत को लेकर यहां से चला जाए। जय अम्बे माता। आपके साथ इस घर में वापस लौट रहे थे तो बहुत डरे हुए थे कि पता नहीं शौर्य के पिता क्या करेंगे, पर अब हमारे मन में आशा की एक किरण फूटी है, क्योंकि आज शादी के 25 साल में पहली बार ये अपने फैसले के विपरीत गए हैं। आज आपको इस घर में मेहमानों वाली जगह मिली है और देखिएगा बहुत जल्दी इनके दिल में भी जगह मिल जाएगी। हमें ऐसा लगता है कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे और आपको अपना वो ओहदा भी मिल जाएगा जिसकी आप असली हकदार हैं। इस सफर को जल्द से जल्द पूरा करना होगा मासा। यहां मैंने शौर्य जी को दिया वादा निभाकर अपनी असली जगह पर वापस जाना होगा। इसी में सबकी भलाई होगी। कोई बात नहीं, जा अपने कमरे में जा और थोड़ा आराम कर ले, सारी रात आंखों में ही काटी है। पर माँ जी, पूरी रात इसका हाथ पकड़ के तूने काटी है, अगर थोड़ा आराम नहीं किया ना तो आज की रात मुझे तेरा हाथ पकड़ कर काटनी पड़ेगी और मुझ में तेरे जितनी ताकत नहीं है पूरी रात जागने की। चल। अरे मैं संभालूंगी नैना को, वैसे भी तू नहीं थी तो कौन रखता था इसका ध्यान, मैं ही रखती थी। जा।
मुझे लगता था कि मेरे भाग्य में बहू का सुख है ही नहीं, पर तूने तो मेरे लिए छांट कर दुनिया की सबसे अच्छी बहू भेजी है। इसकी हर मंशा पूरी करना। जी बहू, आपकी आंखें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आप रात को बिल्कुल भी नहीं सोई। वैसे भी हवेली के जैसे हालात हैं, आपका नींद ना आना लाजमी है। और यहाँ घर पर आते ही आप पर इतनी सारी जिम्मेदारियां डाल दी गई है ना, पर बहू हमें पूरा भरोसा है कि आप उन जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरह से निभा पाएंगी। केसर? जी माँ जी, ये केसर है। पता है ये इस हवेली में तब से है जब से ये 2 साल की थी। ये और इनकी माई हम लोगों की बहुत सेवा करते हैं। हमारे लिए ये ऐसी ही है जैसी पूजा है। अच्छा केसर, आप ये सब कुछ यहाँ पे रख दीजिए और जाइए। जी माँ जी। बहू, अब जल्दी से अपना हाथ धो लीजिए और ये सब कुछ पहनकर नीचे आ जाइए, हवेली की शान बढ़ाइए। अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हम इंतजार करते हैं। मैं आपको क्या बताऊं मासा, जिसके लिए आप जी सोच रही है कि उसे एक राजपूत बनकर इस हवेली के सारे कर्तव्य निभाने चाहिए, असल में तो एक रबाड़न छोरी है। इस घर की बीननी कहलाने लायक ना है। जिस दिन घर के लोगों को ये बात का पता चलेगा, उसे कितनी ठेस पहुंचेगी इन सबको। शंकर, हमारा इन चीजों पर कोई अधिकार ना है, और जिसका सच में इन चीजों पर अधिकार है, जाने वो कौन है और कहाँ है। बापू और नाना ठीक हो जाएंगे, अब कल सुबह जाने की तैयारी कीजिए आप। मामा चले गए, बापू भी चले गए, आप नहीं जाओगे ना? तो भगवान से प्रार्थना करती थी ना कि तेरी माँ वापस भेज दे। ले, चाची के रूप में तेरी माँ को वापस भेज दिया भगवान ने। तेरा ध्यान कहाँ है रे छोरी? अभी इधर आ तू, चल बाहर आ। चल, अपना ख्याल रखा कर। ऐसे असावधान रहेगी तो ये घर गृहस्थी कैसे चलाएगी तू? ये ले रखिए। ये चाबियां? ना नुकुर ना कर, नहीं तो फिर से पत्थर बरसेंगे मेरी जुबान से। मुझे पूरा विश्वास है कि तू इस गृहस्थी को अच्छे से संभाल पाएगी। ये चाबियां।